हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय कोविड की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद चल रही हैं और हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो आज एनडीए में जो हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो टॉपिक है हमारा वो चल रहा है वर्क एनर्जी पावर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, क्या आया था, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या था जीरो, मतलब चेंज इन दिस जीरो। ये क्या है आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो हम कह सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। या इसको इस तरह कह सकते थे, अगर काइनेटिक एनर्जी को के से दिखाएं तो के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है कुछ और जो एनर्जीज़ हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग की एनर्जी। तो इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे पावर के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग दीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी क्या है इसकी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं क्या होती है। U बराबर आपने पढ़ा होगा MgH। Mg क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। H क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क आप करते हैं, वर्क कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट MgH, वो किसमें स्टोर होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। H क्या है आपकी, हाइट। G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। M क्या है, मास, ठीक है। अब मान लीजिए, देखो होगा क्या, ये कहाँ से एनर्जी आती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है, आप किसी बॉडी को एच हाइट तक ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है, आप उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में बॉडी को कहां ले जा रहे हैं, ऊपर। तो जो वर्कडन आप करेंगे वो वर्कडन किस में स्टोर होगा, एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। वो वर्कडन किस में स्टोर होगा, एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो वही एनर्जी है ये। अब आपसे कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इलेवेटेड टू हाइट एच। एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया, एच हाइट तक इलेवेटेड का मतलब उठाया है, एंड देन रिलीज्ड बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो होगा क्या, आपने किसी बॉडी को ऐसे उठाया, जब वो बॉडी या यहां पर इस एच हाइट पर है तब उसके पास एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, MgH। अब जब आप उसे छोड़ेंगे, देन रिलीज्ड, जब आप छोड़ेंगे तो बॉडी कहाँ आएगी, नीचे। जब नीचे आएगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ आएगी, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। यही चीज यहां पर बताई गई है। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाता है, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल में तो कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, क्या थी, केवल पोटेंशियल एनर्जी। बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्या आया, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एम जी एच, हाफ ये एम से एम कट गया, वी स्क्वायर बराबर टू जी एच, या वी बराबर अंडर रूट टू जी एच। इसका भी कभी कभी यूज पड़ जाता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन करिए, तो फिर हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या है, ये मान लीजिए आपकी स्प्रिंग है और इससे एक एम मास का एक ब्लॉक बंधा हुआ है। आपने इसको स्ट्रेच किया कहाँ तक, एक्स तक, तो ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे ही आप ये फोर्स हटाएंगे इसको कहाँ लाएगा, ये वापस लाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगाएगा, ऐसे एफ एस स्प्रिंग का फोर्स। बात क्लियर है। और स्प्रिंग का फोर्स आप लोग जानते हैं कितना होता है, माइनस के एक्स, कितना होता है ये माइनस के एक्स। कैसा फोर्स है ये, वेरिएबल फोर्स है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। निगेटिव क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे है और फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है। तो आपको क्या निकालना है, वर्कडन निकालना है, ठीक है ना। वर्कडन आप जानते हैं, वर्कडन क्या हो जाएगा, के बारे में सब लोग जानते हैं, के क्या होता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, के क्या है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट, यूनिट क्या होती है के की, न्यूटन पर मीटर। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, हम लोग की स्प्रिंग की एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी देखिए क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे स्प्रिंग फोर्स द्वारा जो वर्कडन हो रहा है वो वर्कडन, और फिर उस वर्कडन से हम लोग क्या निकालेंगे, एनर्जी। कैसे, आप लोग जानते हैं कि चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, निगेटिव ऑफ वर्कडन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देखिए एफ एस डी एक्स, तो देखिए कितना है ये माइनस का, अच्छा लिमिट भी लगाएंगे, लिमिट कहां से कहां लगेगी, जीरो से एक्स, पहले ये जीरो पे था डिस्प्लेसमेंट, फिर कहां पहुंच गया, एक्स पे। देखिए लिमिट जीरो से एक्स माइनस के एक्स डी एक्स, तो माइनस के बाहर आया, जीरो से एक्स एक्स डी एक्स, ये क्या है W, तो देखिए W क्या हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से x, तो माइनस के बाई टू, और क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या आया वर्क डन। अब आप जानते हैं कि डेल्टा U बराबर क्या होता है, माइनस वर्क डन किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो डेल्टा यू बराबर माइनस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो डेल्टा यू कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर आप इनिशियल को जीरो मान लेंगे तो फाइनल क्या आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ज़रा नोट करिए, फिर इसका नेक्स्ट वाला केस देखते हैं, जैसे इसमें हमने ऑब्जेक्ट के लिए किया था वैसे उसमें भी करेंगे। तो देखिए मैं इसको, अच्छा नोट कर लीजिए पहले आप लोग,
ठीक है, तो नोट हो गया हो आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा केस हमने पोटेंशियल एनर्जी में बनाया है, वैसा ही केस हम लोग किस में बनाएंगे? स्प्रिंग एनर्जी में, कि किसी बॉडी को एक्स डिस्प्लेसमेंट तक ले जाएं, उसके बाद क्या कर दें, रिलीज कर दें। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या कह रहे हैं हम लोग? हम कह रहे हैं कि इफ़ बॉडी ऑफ मास m एक्सटेंड टू डिस्टेंस x एंड देन रिलीज्ड, देन बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए होगा क्या, जब आपने इस मास m को x तक क्या किया, स्ट्रेच किया, एक्सटेंड किया, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आई? स्प्रिंग एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर आपने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो ये v वेलोसिटी से कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए होगा क्या, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ मर गया। यहाँ से आप रिलेशन किसका इसके बीच में निकालेंगे, वी के, और देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर के बाई एम एक्स स्क्वायर, तो वी क्या आया, अंडर रूट के बाई एम और एक्स। क्लियर है बात, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पावर की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पावर पढ़ना है हमें। आजकल पूरी दुनिया पावर के पीछे पागल है, चलिए देखते हैं ये पावर क्या है।
पावर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? शक्ति। पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन। पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। क्या होता है पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। ये किसके लिए है? एवरेज पावर की बात हो रही है ये, ठीक है ना? इस चीज को याद रखिएगा, किसके लिए ये? एवरेज पावर के लिए, औसत शक्ति, ठीक है? अब अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी हो, तो इंस्टेंटेनियस के लिए आप हमेशा जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू वाई डी टी। तो डी वाई डी टी डब्ल्यू के लिए आप जानते हैं क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट होता है ना। अब देखिए एफ को बाहर ले लीजिए, डॉट लगा रहने दीजिए, डी आर बाई डी टी। तो ये एफ और डी आर बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो एक पी का फॉर्मूला ये भी आ गया, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, या इसी को आप लिख सकते हैं पी बराबर एफ वी कॉस थीटा। पी बराबर एफ वी कॉस थीटा। अगर डायमेंशन निकालना हो तो चलिए देख लीजिए, पहले तो यूनिट देख लीजिए। यूनिट क्या होती है? वॉट, या इसकी यूनिट होती है हॉर्स पावर, एच पी, ठीक है ना? और क्या देखना है? डायमेंशन देख लीजिए। डायमेंशन देखिए क्या हो जाएगा, एफ वी थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? डायमेंशनलेस, कोई मतलब नहीं है। तो एम एल टी माइनस टू, और वी कितना होता है? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, माने एल बटे टी। तो देखिए क्या आया, एम एल कितना हो जाएगा टू, और टी कितना हो जाएगा माइनस का थ्री, ठीक है? ये क्या आ गई आपकी डायमेंशन आ गई, किसकी? पावर की। क्लियर है बात? आप डब्ल्यू बाई टी से भी निकालेंगे तब भी यही आएगा, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू के लिए भी आप क्या लिखेंगे, एफ इंटू एस, और एस बाई टी क्या हो जाएगा, वी। बात वही है। एक मिनट, एक चीज गलती हो रही है क्या? एम एल नहीं, सही है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? बहुत छोटे से पढ़ाया जा रहा होगा आपको। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। कन्वर्जन कभी कभी जरूरत में आ सकता है न्यूमेरिकल करते वक्त, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, पावर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एन एलिवेटर कैन कैरी ए, एलिवेटर का मतलब लिफ्ट, कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 केजी। ये कौन सा वेट है जिसमें एलिवेटर और पैसेंजर दोनों शामिल हैं? ठीक है, इज मूविंग अप विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द motion is 4000 newton। कह रहा डिटरमाइन द मिनिमम पावर, delivered by the motor to elevator। देखिए क्या क्या रहा है, एक elevator है जो कि कहाँ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, जो मैक्सिमम लोड है उसका वो कितना है 1800 केजी, मतलब एलिवेटर का अपना वेट और पैसेंजर्स उसमें जितने हैं उनका वेट, करा 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। अब जब वो ऊपर जाएगा तो सीधी सी बात है एलिवेटर जिस मशीनरी से चलता है, जिन वायर्स से चलता है, उनका कुछ अपोजिंग का फ्रिक्शन का फोर्स भी होता है, तो वो फ्रिक्शन का फोर्स आपको कितना दिया है 4000 न्यूटन। आपसे कह रहा है कि कम से कम कितनी पावर जो एलिवेटर की मोटर है वो उस एलिवेटर को दे जिससे वो एलिवेटर कहाँ जाए, ऊपर जाए, फ्रिक्शन की वजह से उसके मोशन में कोई अपोज ना आए। बात क्लियर है? तो देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये मान लीजिए आपकी क्या है, लिफ्ट है जिसमें पैसेंजर और लिफ्ट दोनों हैं, ये वी वेलोसिटी से कहाँ जा रही है ऊपर, नीचे की तरफ इस पर एक फोर्स लगेगा एम जी, और फ्रिक्शन फोर्स भी, बॉडी जा रही है ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ लगेगा, नीचे। क्लियर है बात? तो देखिए होगा क्या, अब आपको ये देखना है कि टोटल फोर्स जो है जो मोशन का अपोज करना चाह रहा है, भाई मोशन कहाँ हो रहा है ऊपर, और जो फोर्स नीचे लगेगा वो क्या करेगा, उस मोशन का अपोज करेगा। तो टोटल जो फोर्स है आपका वो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एफ के। एम जी कितना, 1800, जी की वैल्यू 10 मान लीजिए, ये कितना है 4000, तो ये कितना हो जाएगा 18000 प्लस 4000 कितना आ गया 22000 न्यूटन। ये फोर्स आपका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए मोटर को कितनी पावर देनी पड़ेगी ये हमको देखना है। तो सीधी सी बात है, देखिए द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर, देखिए इतना फोर्स अगर मोटर भी कहीं से जनरेट करे तो पावर आप जानते हैं क्या होता है, एफ वी। तो जो मोटर है ये फोर्स कहाँ लगाएगी, इसके अपोजिट यानी कि ऊपर की तरफ, ये जो मोटर का फोर्स है तो एफ वी क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखिए एफ और वी सेम डायरेक्शन में है तो एफ वी कॉस 0 हो जाएगा, एफ कितना लगना चाहिए,
22,000 और V कितना है 2, तो यानी कि 44,000 वॉट की क्या जनरेट होनी चाहिए, पावर जनरेट होनी चाहिए। क्लियर है, बताइए। अगर इसी आंसर को आपको किस में निकालना हो, हॉर्स पावर में निकालना हो, तो देखिए आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 44,000 अपॉन 746, तो ये आएगा 59 हॉर्स पावर। ठीक है, तो इतनी पावर अगर मोटर दे देगी तो जो आपकी लिफ्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जो फोर्स उसको नीचे खींच रहा है वो 22,000 है। ठीक है, बात क्लियर है, नोट डाउन करिए।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो इसमें टॉपिक जो बचा हुआ है हमारा, वो बचा हुआ है कोलिजन। चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने वर्क पढ़ा, फिर हम लोगों ने एनर्जी पढ़ा, फिर हम लोगों ने पावर पढ़ा, उसी का एक छोटा सा पोर्शन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए कोलिजन क्या है, एक ऐसा इवेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे पर क्या लगाती हैं, स्ट्रांग फोर्स बहुत ही छोटे समय के लिए। जैसे आपने देखा आपकी किसी दूसरे के साथ टक्कर हुई, जैसे दो गाड़ियों के आपस में टक्कर हुई, तो टक्कर हुई बहुत ही स्ट्रांग फोर्स लगा, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि वो फोर्स लगे लगे दोनों लोग चल रहे हैं, टक्कर मारी वो अपने रास्ते वो अपने रास्ते, तो बहुत ही छोटे समय के लिए, एक सेकंड दो सेकंड, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए एक स्ट्रांग फोर्स जब लगता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, कोलिजन। तो लिख लीजिए, एन इवेंट इन विच टू और मोर बॉडीज exerts strong force for very short time। ठीक है, अब देखिए कोलिजन जो है ये दो तरीके का होता है, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या है, इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पर क्या है, इन विच देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी क्या रहता है, कंजर्व। यहां पर भी पी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसके बाद टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कंजर्व। यहां पर भी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। क्लियर है बात, यहां पर मैंने पहले बताया कि काइनेटिक, देखिए यहां पर कोई लॉस नहीं काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ते हैं अब कोलिजन इन वन डायमेंशन। नोट हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ, कोलिजन इन वन डायमेंशन, जिसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन।
देखिए हेड ऑन पहले तो समझिए कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या है, मतलब टक्कर से पहले दोनों जो बॉडीज होंगी वो सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, मतलब एक ही एक्सिस पे मूव कर रही होंगी, एक डायरेक्शन पे, एक्स पे मूव कर रही हैं तो एक्स पे, वाई पर, वाई पर जेड पे तो जेड पर, और टक्कर होने के बाद भी वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। एक ही डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि दोनों सेम सेम तरफ जाएं, मतलब एक ही डायमेंशन में जाएंगी। अगर एक्स में जा रही थी तो एक्स में जाएंगी, ये नहीं कि टक्कर हुई तो एक गया वाई में एक गया जेड में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोलिजन क्या है, हेड ऑन कोलिजन। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है जिसका मास है m1, ये किससे जा रही है u1 वेलोसिटी से इधर जा रही है, ये एक बॉडी है m2, ये u2 वेलोसिटी से जा रही है। अब अगर हम कहें कि u1 इज ग्रेटर देन u2 है, मतलब इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो कभी ना कभी ये इसको टक्कर मारेगा। तो यहाँ पर क्या है, आफ्टर कोलिजन में क्या हुआ, ये जो m1 था हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी अब v1 हो चुकी है, और ये जो m2 है इसकी वेलोसिटी अब v2 हो चुकी है। तो अब हमें निकालना क्या है, v1 और v2, जो हमारा टास्क है वो v1 और v2 निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए पहला आप क्या लगाएंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, pi बराबर pf, इनिशियल का मोमेंटम और बराबर फाइनल का मोमेंटम। इनिशियल का मोमेंटम क्या होगा, देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। m1 एक तरफ, m2 एक तरफ, तो m1 इधर लाइए, तो m1 क्या हो जाएगा u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस u2। ये u2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये v1 यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा, क्लियर है बात। इसको इक्वेशन क्या मानिए आप, ये तो इसको वन मान लीजिए, इसको टू मान लीजिए, ये आपने क्या लगाया, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। अब क्या लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियली क्या रही होगी, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर बराबर फाइनल क्या है, हाफ 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 कैंसिल, फिर से वही काम करिए, एम वन एक तरफ, तो एम वन क्या बचा, यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बराबर एम टू वी टू स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर, क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए इसको मान लीजिए आप इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री मान लीजिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, थ्री में टू से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बटे m2 v2 माइनस u2, ठीक है। देखिए m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो u1 प्लस v1 एक ब्रैकेट में a प्लस b एक ब्रैकेट में a माइनस b, नीचे क्या है u1 माइनस v1, इधर भी देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2, नीचे क्या है v2 माइनस u2। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आया u1 प्लस v1 बराबर u2 प्लस v2 या v2 प्लस u2 कुछ भी कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा u1 माइनस u2 v2 माइनस v1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिला, इसको इक्वेशन सीधे a मानिएगा। ये देखिए u1 माइनस u2 क्या है, क्या मैं इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह सकता हूँ, इसी रिलेटिव वेलोसिटी से तो क्या हो रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी u1 टू u1 माइनस u2। ये क्या है, टक्कर होने के बाद किस वेलोसिटी से ये क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन, ये कब वैलिड है? वैलिड ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन, हमेशा नहीं वैलिड है, कब है? इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है। एक देखिए, अब मैं इसके नीचे यहां लिखने जा रहा हूं, एक टर्म होता है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम दिखाते हैं ई से, ये क्या होता है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या है देखिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब देखिए e बराबर क्या आया, v2 टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू। अब आप जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या आया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन ए दिस इंप्लाइज e बराबर क्या हो जाएगा, वन, किसके लिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए यहां तक, फिर आगे डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ें, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ,
जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसको बचा लूँगा। देखिए इम्पॉर्टेंट अपने लिए क्या है, इक्वेशन वन अभी हमको चाहिए, देखिए फ्रॉम इक्वेशन ए मैं यहां से v2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो v2 क्या होगा u1 माइनस यू टू और v1 यहां आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको पुट इट पुट इन इक्वेशन वन, इसको वन में पुट कर दीजिए तो देखिए क्या आने वाला है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू की जगह क्या रखना है, यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन। चलिए सॉल्व कर लीजिए, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर एम वन वी वन। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, एम टू यू वन माइनस एम टू यू टू और प्लस एम टू वी वन। क्लियर है बात। अब देखिए होना क्या है यहां पर, एक एक स्टेप करके समझिए। देखिए ये एम टू यू टू इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, एक एम टू यू टू यहां पहले से है तो यहां पर मैंने लिखा टू एम टू यू टू। देखिए ये एम वन यू वन है और ये क्या है, और देखिए एक एम वन का टर्म एक यहां है यू वन, ठीक है, और एक एम टू यू वन भी होगा, बिल्कुल है, ये है m2 u1, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो m1 माइनस m2 क्या हो गया, u1 हो गया। अब देखिए क्या क्या बचा, इधर देखिए क्या क्या बचा आपके पास, इधर आपके पास बचा m1 v1 और m2 v1। कौन कौन से टर्म बचे, देखिए एक ये टर्म बचा, एक ये टर्म बचा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, m1 प्लस m2 वी वन। तो देखिए वी वन यहाँ से क्या आ जाएगा, एम वन माइनस एम टू यू वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस टू एम टू यू टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। ये किसकी वैल्यू आई, वी वन की। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये आपका क्या आ गया, वी वन आ गया। अब अगर वी टू निकालना हो तो कुछ नहीं करना, वन की जगह टू कर दीजिए, क्या आ जाएगा, वी टू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से v2 क्या आएगा, m1 माइनस m2, तो अब क्या होगा, m2 माइनस m1, u1 था तो u2 हो गया, नीचे m1 प्लस m2 है उससे कोई मतलब नहीं हो जाएगा, प्लस 2m2 u2, तो 2m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी, ये इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा, तो इसको याद नहीं करना, इसको याद नहीं करना, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन्हीं को हमको देखना है। ये एक तो जनरल डेरिवेशन आपको बता दिया गया है, अब इसी से हम लोग केसेस बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल करते वक्त जो है आपको पहले क्या करना होता है, ये वाली इक्वेशन ए बनानी होती है, इसके बाद आपको इसको मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए।
तो देखिए यहां तक आपने पढ़ लिया आपका वर्क, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और हमने पढ़ा किसके बारे में, पावर के बारे में, फिर हम लोगों ने कोलिजन देखा, हेड ऑन कोलिजन। अब इसके जो केसेस हैं और जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।